हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। केके किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डेगी स्टाइल मटन कोरमा। सिंपल और आसान तरीके से और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6 से 7 लवंग है, जावित्री का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा, 2 चक्री फूल, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची और 10 से 12 काली मिर्च है। इसको हम 1/2 कप ऑयल गरम करेंगे। अब कुकर में डालेंगे गरम मसाला, उसी के साथ डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन का कच्चापन निकलने तक हमें भून लेना है। अब उसी में डालेंगे हम मटन, ये हमारा 1/4 किलो 700 ग्राम मटन है, अच्छे से धो लिया था 3 से 4 पानी से। अब इसके अंदर डालेंगे और इसको हमें भूनना है, कम से कम 5 से 6 मिनट हमें इसको भूनना है। पाँच से छः मिनट के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है। अब इसको अच्छे से भून लेना है हमें 2 मिनट तक। देख सकते हैं, अब हम डालेंगे इसके अंदर दही। मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। इसको हम दही डालकर गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और 5 मिनट तक भूनेंगे हमें इसको। अब यहाँ पर मैंने 1 कप फ्राई की हुई प्याज ली हूँ, इसको हम पीस लेना है। अब इसमें डालेंगे हम पीसी हुई प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनने वाली है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। मैंने 1/2 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको सीटी लगाएंगे। हमें 2 सीटी लगाना है और गैस की फ्लेम कम करके 10 मिनट तक कुक करना है। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कटोरी काजू, ये बारीक टुकड़ा है। अब इसको पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं हमारा मटन पूरी तरह से गल चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने पीसी हुई काजू है उसका पेस्ट हम डालेंगे। अब डालेंगे काजू पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें 2-3 मिनट तक। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखना है इस स्टेज पे। अब डालेंगे हम पानी, मैंने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। हमने जरा थोड़ा सा हमने जो पीसी हुई काजू का पेस्ट है उसी में डालकर हमने हिला के डाला है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब इसको हम ढककर और 5 से 6 मिनट पकाएंगे धीमी आँच पे। देख सकते हैं हमारा कोरमा रेडी है। अब डालेंगे धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे। अब धनिया डालकर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देख सकते हैं हमारा मटन कोरमा रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली को बना के ज़रूर खिलाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।